कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, हेमंत सोरेन सारे लोग ये पक्ष करता है कि मोदी जी को 400 सीट क्यों चाहिए। मतलब उनका कोई आपत्ति नहीं है, सरकार बना लीजिए, मेरा कोई आपत्ति नहीं है। हमारा आपत्ति इस बात में है कि मोदी जी को 400 सीट क्यों चाहिए। मतलब 272 में ही सरकार बन जाते हैं, आप 280 ले लो, 300 ले लो, 350 ले लो, 390 ले लो, लेकिन आपको 400 क्यों चाहिए। अरे भाई, आप इस मुझको ये बताइए, अगर तेंदुलकर बैटिंग करने जाते हैं वो हमेशा यही तमन्ना लेके जाएगा ना, मैं डबल सेंचुरी मार के ही आऊंगा, तो मोदी जी ने ट्रिपल सेंचुरी मार चुका है, इस बार उनको चौथा वाला सेंचुरी मारना चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर मैं पहला बार एक शतक मार लेता हूं, दूसरा बार मुझको दूसरा शतक मारना है, तीसरा बार मुझे तीसरा शतक भी मारना है। ये कांग्रेसियों का दिमाग में यही नहीं आते हैं कि मोदी जी को 400 सीट क्यों चाहिए। ठीक है, अगर आपका दिमाग में नहीं आते हैं तो थोड़ा हमें आपको समझा देता हूं, हमें 400 सीट क्यों चाहिए। लास्ट टाइम हमारा साथ 300 सीट था, हमने क्या किया, हमने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया, किया कि नहीं किया, किया ना, 100% किया ना। अगर 300 सीट में राम मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ तो 400 सीट में कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगा कि नहीं बनेगा, बनाना है कि नहीं, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि बनाना है ना। औरंगजेब ने कृष्ण जन्मभूमि में शाही ईदगाह बना के दिया था, एक तो बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाया था अयोध्या में, औरंगजेब ने कृष्ण जन्मभूमि में शाही ईदगाह बनाया था। आज अभी समय आया कि नहीं ईदगाह का जगह में वहां में भी भव्य मंदिर बनाने का समय आया है कि नहीं, आप लोग बताइए, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, कृष्ण जन्मभूमि बनाना चाहिए ना। ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो कांग्रेसी लोग सुन लो, 300 में मोदी जी राम मंदिर बनाया है, 400 में मोदी जी कृष्ण जन्मभूमि भी बनाएगा और ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में मंदिर भी बनेगा।